Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great great health guys. So today's Q Card is describe a childhood friend. यहाँ पर आपने किसी दोस्त के बारे में बताना, जिसको आप बचपन से जानते हो. And sub Q's are who this person is, कि ये इंसान कौन है. How you became friends with this person, कि आप इसके दोस्त कैसे बने. What kind of things you like to do with दिस पर्सन कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ इसके साथ करते हो एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन वाई यू लाइक हिम और हर और एंड में आपने रीजन बताना कि आपको इंसान क्यों अच्छा लगता है सो बिफोर वी स्टार्ट दिम्पल आंसर गाइज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो सो लेट्स बी गेन दिम्पल आंसर गाइज फ्रेंडशिप इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशन दैट टचेज एवरी वन लाइफ इन अ डिफरेंट वे कि फ्रेंडशिप एक बहुत ही खूबसूरत रिलेसन है और सबकी ज़िंदगी के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है टॉकिंग टू फ्रेंड्स इज़ ऑलवेज रिलैक्सिंग एंड वन कैन पोर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ हिज और हर फ्रेंड्स विदाउट एनी हैजिटेशन की दोस्तों के साथ बात करना बहुत ही रिलैक्सिंग होता है और हम खुल कर बात कर सकते हैं हमारे दिल की जो भी बात है अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं विदाउट एनी हैज़िटेशन ऑल दो आई हैव न्यूमरथ फ्रेंड्स होम आई नोन सिंस चाइल्ड हुड वन ऑफ दम इज़ स्पेशल एंड हे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हेम कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं बचपन से जानता हूँ उनमें से एक मेरा दोस्त है जो कि बहुत ही स्पेशल है और मैं उसके बारे में ही यहाँ पर बात करना चाहूँगा ही इज़ माई बॉसन फ्रेंड जेरी एंड वी हैव बिन बेस्ट बडीज सिंस आर स्कूल डेज कि यहाँ पर मैं अपने दोस्त जेरी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मेरा बॉसन फ्रेंड है बॉसन फ्रेंड होता है कि जिगरी यार और हम बचपन से एक दूसरे के बेस्ट बडीज़ हैं आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड वेन जेरी एडमिटेड टू माई क्लास आफ्टर माइग्रेटिंग फ्राम मुंबई एंड फ्राम द वेरी वर्स्ट दे वी बिकेम फ्रेंड्स कि मैं तब सेकंड क्लास में था जब जैरी ने एडमिशन ली थी मेरी क्लास में और वो माइग्रेट हुआ था मुंबई से और पहले दिन से ही हमारी दोस्ती शुरू हो गई वी यूज़ टू सिट ऑन द सेम बेंच वी शेयर अ ग्रेट बॉन्ड विद ईच अदर एंड स्टैंड बाई ईच अदर ऑन गुड एंड बैड डेज कि हम एक ही बेंच पर बैठते थे और हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया बॉन्ड है और हम एक दूसरे का स्टैंड रखते हैं एक दूसरे को बैक करते हैं हमारे अच्छे बुरे दिन में आई वॉज वीक एट मैथमेटिक्स एंड यूज़ टू गेट लो ग्रेड्स अपॉन सीइंग माई प्लाइट जेरी केम टू माई रेस्क्यू एंड ही वॉज गुड एट मैथ्स ही हेल्ड मी फाइंड सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कि जब मैं स्कूल में था तो मैं मैथ्स में थो थोड़ा वीक था और मेरी प्लाइट प्लाइट का मतलब होता है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन की मेरी डिफिकल्ट सिचुएशन देख के जेरी केम टू माई रेस्क्यू मतलब मेरी हेल्प करने के लिए आया क्योंकि वो मैथ में गुड अच्छा था तो उसने मेरे हेल्प की मैथ्स में जब भी मुझे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था वो मेरी हेल्प ज़रूर करता था वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद ईच अदर कि हम काफ़ी टाइम दिन का एक दूसरे के साथ गुजारते हैं वी बोथ आर इंटू स्पोर्ट्स हैंस वी ऑफन प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल एंड मोर कि हम दोनों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो हम यूजली बहुत डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। जैसे क्रिकेट बैडमिंटन और, और भी गेम्स हम इकट्ठे खेलते हैं Apart from this, I always make sure he tags along whenever I go for shopping, as he has great knowledge and sense about the latest trends, whereas I don't have much idea about trending fashions and all. I make sure he tags along. He tags along about latest trends, की, fashion, and knowledge Besides this, we both are travel buddies and we usually go on excursion trips on weekends. कि हम दोनों ट्रैवल बॉडीज हमें ट्रैवल करना अच्छा कर लगता है और हम एक्सकर्शन ट्रिप्स पे जाते हैं एक्सकर्शन का मतलब शॉर्ट ट्रिप्स पे जाते हैं हम जब भी वीकेंड आता है आई लाइक हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिस नॉलेज एंड हिज इनलाइटनिंग थाट्स कि मेरे को वो अच्छा लगता है उसकी नॉलेज अच्छी है उसकी जो थाट्स है बहुत ही बढ़िया हैं तो इसके कारण मेरे को वो अच्छा लगता है वाट इज मोर ही इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ कि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो बहुत ही आशावादी जो बहुत ही पॉजिटिव सोचता है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बंदा मैंने देखा अपनी लाइफ में नो मैटर हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन इज़ ही नेवर पैनिक्स एंड स्टे एज कूलर्स कोकम्बर कूलर्स कोकम्बर का मतलब होता कि वो शांत रहता है खीरे की तरह ठंडा रहता है ये एक इंग्लिश में सेंग है जो काफ़ी यूज़ की जाती है कि वह मैटर नहीं करता कि सिचुएशन कितनी मुश्किल है वो कभी पैनिक नहीं करता और हमेशा कूलर्स cool कोकुम्बर रहता है लास्टली ही इज़ सेल्फलेस एंड फाइनस इमेंस हैप्पीनेस बाय वर्किंग फॉर अदर्स बेनिफिट और एनवी हमने बताया कि वो एक सेल्फलेस इंसान है जो कि दूसरों की खुशी के लिए काम करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है एंड दैट्स इट गाइज ये था हमारा सैंपल आज से रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड एंड आई विल सी यून द नेक्स्ट वीडियो गाइज टिल देन टेक केयर गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइज